हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंसूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जंगल वॉक। आज आपको कॉर्बेट की बिल्कुल नई रेंज से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये फाटो रेंज है। अभी 3 तारीख में इसका उद्घाटन हुआ है। यहाँ के लोकल विधायक जो हैं श्री दीवान सिंह बिज जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अभी डे विज़िट चल रहा है यहाँ पर और आने वाले कुछ टाइम में नाइट स्टे भी यहाँ पर होगा। उसका इंतज़ाम सारा अंदर हो चुका है नाइट स्टे का, लेकिन अभी नाइट स्टे इन्होंने चालू नहीं किया है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि अभी 3 दिन इस रेंज को स्टार्ट किए हुए हैं पर्यटन जोन में, और यहाँ पर टाइगर की साइटिंग हो चुकी है। यहाँ पर टाइगर लोगों को दिख गया है, पर्यटकों को टाइगर दिख गया है। तो उससे और ज़्यादा उम्मीद है कि ये जोन बम्पर चलेगा। बहुत अच्छा जोन है। अंदर जाके एक फाटो का रेस्ट हाउस भी है, बहुत अच्छा रेस्ट हाउस है। और अभी बहुत बेसिक यहाँ पर सुविधाएं हैं। अभी यहाँ पर जिप्सी भी नहीं आई हैं, रामनगर से जिप्सी मंगाई हैं हमने। रामनगर की जिप्सी से हम अंदर जा रहे हैं। परमिट का अभी ऑनलाइन नहीं है यहाँ पर परमिट। अभी यहाँ ये इन्होंने जो स्वागत कक्ष परमिट के लिए बनाया है, इसी से परमिट कट रहा है। और यहीं से आप आ जाएंगे तो परमिट आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ यहाँ कैसे पहुँचना है और किस तरीके से पहुँचना है, परमिट कैसे लेना है, सफारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ मैं आपको अभी सफारी के दौरान सब बता दूँगा। हमारा टाइम हो रहा है 1:30 बजे से यहाँ पर सफारी शुरू है। इवनिंग सफारी हम लोग कर रहे हैं। और जब से मैंने ये बात सुनी है, मुझे यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने टाइगर जो यहाँ पर साइडिंग हुई थी, मेल टाइगर बहुत अच्छा, उसकी फ़ोटो दिखाई, थोड़ा सा एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि टाइगर अगर दिख जाता है तो सो फॉर सो गुड, बल्ले बल्ले हो जाएगी बहुत अच्छी, कि पहले नए जोन में ही टाइगर हमें दिखता है। तो हम लोग चलते हैं अंदर। ये इसका गेट है, मैंने आप गेट दिखाया, एंट्री गेट। ये इसका एंट्री गेट है। गिर के लिए, शासन गिर के लिए। अच्छा, गिर जा रहे हैं जी। इन छोटे बच्चों का थोड़ी नहीं, यहाँ पे नेम एंट्री कर दीजिए, नाम भर दो, नाम भर दीजिए। ये हमारे जो ड्राइवर हैं, ये कॉर्बेट के बहुत मशहूर ड्राइवर प्रमोद पटवाल, हमने इन्हें रामनगर से बुलाया है। रामनगर से ये हमारी सेवा में हाजिर हुए हैं। और जो हमारे आज यहाँ फाटो रेंज के गाइड हैं, उनका नाम है शमशाद हुसैन नाम है इनका। तो शमशाद भाई हमें गाइड के तौर पर लेके जा रहे हैं फाटो रेंज दिखाने। तो ये फाटो रेंज की हम सवारी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, रैकेटेल ड्रेंगो सबसे पहले हमारा जो स्वागत किया रैकेटेल ड्रेंगो ने किया। वो उधर पेड़ पे चली गई है, वो एक दूसरी जा रही है। फाटो रेंज में सबसे पहले अगर हमें बर्ड दिखी तो वो रैगेट टेल ड्रेंगो दिखी है। ये पहला वाटर होल, ये वाटर होल तो अभी बनाया होगा शमशाद जी? हाँ, अभी बनाया। एक ये वाटर होल बनाया है। सफारी की टाइमिंग यहाँ पर वही है जो कॉर्बेट के दूसरी जोनों में है। आजकल विंटर्स में 1:30 बजे से और 5:30 बजे तक सारी चीज़ कॉर्बेट वाली है। परमिट के रेट भी वही है। जिप्सी का रेट थोड़ा सा आपको अभी शुरू में ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जिप्सी जो है वो एक्स्ट्रा 50 किलोमीटर चल के आ रही हैं रामनगर से। रामनगर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, तो 25 आना और 25 जाना ये एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, लेकिन अभी यहाँ पे जब जिप्सी स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ की जिप्सी आ जाएंगी, तो फिर आपको थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ सकती हैं।
शमशाद भाई आज सुबह कितनी गाड़ियाँ गई थी? सुबह चार गाड़ियाँ गई थी, कुछ दिखा उन्हें या नहीं? भाई यही दिखे हैं, सांबर वगैरह, चीतल वगैरह। अच्छा, चीतल सांबर वगैरह दिखे। और चीज़ी भी दिखे। टाइगर जो था वो दो दिन पहले दिखा था। हाँ, शुरू में बिल्कुल। हाँ, अभी तो थोड़ा शाही होगा यहाँ का जानवर। हाँ। थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगेगा जिप्सियों से, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही टाइगर की साइटिंग होना। और उसका मैंने फ़ोटो देखा था, उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे दिखाया भी अपने मोबाइल में, तो बिल्कुल रोड के ऊपर था, उससे ही अंदाज़ा था कि ज़्यादा शाही नहीं था। वो रोड पर आ गया और मोबाइल से फ़ोटो खींच लिया, तो इसके मायने ये हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी साइटिंग होनी। मेल टाइगर था वो जो उन्होंने दिखाया था मुझे अभी, और ये बता रहे थे कि दो बार टाइगर दिख चुका है अब तक। आज 7 जनवरी है, 3 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ, 4, 5, 6 तीन दिन के अंदर ही टाइगर की साइटिंग होना कोई कम बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा संकेत है फाटो रेंज के लिए। टावर के ऊपर जाने का है? ये टावर बनाया हुआ है, ये नया टावर बनाया है, इस पे चढ़ के देखते हैं। इसमें अच्छा दूसरा टावर है, उसमें कमरा बनेगा। हाँ। काफी ऊंचाई पे आ गए हम लोग, अच्छा उसके लिए भी है। कोई वाटर होल भी है इधर क्या? हाँ वाटर होल भी नहीं, इसके टावर के आसपास नहीं, नहीं, इसके नहीं, अभी शुरुआत। अगर जैसे अंदर ही अंदर गाड़ी घूमे सफारी में तो लगभग कितने किलोमीटर घूम जाएगी? अभी नीचे तो ले रहा है ना उसके रोड, अभी छोटा रोड बनाया है, रोड खुलेंगे और रोड खुलेंगे और पैसे आने को चले। अब इसके पुलियों के नपा अभी जब तक क्या डियर डियर बहुत बड़ा ग्रुप डियर का ये देखिए, तो अभी गाड़ी देख के इतना डर रही है, ये इतना डर रहे हैं, लुक नहीं रही। स्पॉटेड डियर्स का ग्रुप दिखा है यहाँ पर, एक गाड़ी देख कर वो डर रहे हैं अभी, क्योंकि वो यूज टू है ही नहीं अभी। हाँ सामने खड़े हुए डियर्स आहिस्ता आहिस्ता जब ये गाड़ियों को देखेंगे उसके बाद फिर थोड़ा सा हैबिचुअल होंगे। किरमोजी है काफी डेंस ये। हाँ वो है ना सर, मिक्स ज्यादा है, मिक्स फॉरेस्ट है, बर्डिंग बहुत बढ़िया होगी, बहुत बढ़िया होगी सर, यहाँ बर्डिंग का अच्छा स्कोप लग रहा है। ये चाटा में सर, ये सामने जो है तो चाट में मिट्टी चाटते हैं जानवर, ये सामने नहीं है ना सर। हाँ। ये मिट्टी चाटते हैं जानवर, चाटन बोलते हैं। अच्छा चाटन। हाँ ये मिट्टी चाटते हैं सर, मिट्टी खाते हैं जानवर। कौन खाता है मिट्टी यहाँ पर? जानवर मिट्टी खाते हैं। ये वाली मिट्टी खाते हैं? हाँ हाँ चाटन बोलते हैं, हॉल्टेड मिट्टी होती है। अच्छा चाटन है ये। हाँ ये सामने जो मिट्टी दिख रही है आपको, ये चाटन मिट्टी, शमशाद भाई हमारे जो गाइड हैं बता रहे हैं कि जानवर इसे चाटते हैं। ये जो जानवर इसे चाटते हैं ना, तो ये जब पेट वेट खराब होता होगा इस टाइप से वो। हाँ, अच्छे स्वाद के लिए बढ़िया होती है। हाँ, नेचुरल तौर के ऊपर वो चाटते होंगे। हाँ, हाँ, जिस तरीके से हमने अपने यहाँ घरों में देखा ना कि कुत्ता कभी कभी घास भी जब पेट खराब होता। अच्छा टाइगर को भी लोगों ने देखा है, घास भी खाता है टाइगर को भी देखा है लोगों ने घास खाते हुए। ये कोई दो राय नहीं है, वो पेट खराब होने के लिए सफाई के लिए खाता है, जब बीमार होता है जब भी टाइगर वो खाता है पूरी की। एक पौधा और आपको दिखाऊंगा मैं, मेरी नज़र में आ गया तो देखो मैं थनेले का पेड़ आपको दिखाऊंगा, जानते हैं आप उसको? किसका? थनेले का पेड़। थनेला? हाँ नाम सुना है पर वैसे पहचानते नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको,
लेकिन वो हंसेगा देख करके, आप उंगली जैसे छुई हुई होती है ना, अच्छा ऐसे करके हाथ लगाओगे तो पूरा पेड़ हिलेगा। अच्छा हाँ अच्छा हाँ, ये भी है पेड़, इसके इसके अंदर गए है। ये हमारे लिए नया होगा है? ये हमारे लिए भी नया होगा। हाँ आपके लिए भी नया होगा, लेकिन ये किधर खड़ा है मैं आपको ले जाऊंगा उस पेड़ की फोटो। हाँ ऐसी चीजें तो, अरे उसके जो बच्चा दूध पीता है ना तो उसके काम में ज़्यादा आता है, उसकी लकड़ी उसके काम में ज़्यादा आती है। हाँ उसके उससे दर्द खत्म हो जाता है, अरे ठीक भी हो जाता है, थनेला बोलते हैं उसे तो। उस क्या बोलते हैं? थनेला। थनेला हाँ। ये थनेले का पेड़ है फाटो रेंज के अंदर, इसकी खासियत जड़ी बूटियाँ भी हैं कुछ, ये कुछ दवाइयों में भी यूज़ होता है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि इस पर अगर उंगली लगा रहे हैं तो पूरा पेड़ जो है वो हिल रहा है, जैसे घरों में छुई मुई के पेड़ होते हैं वो पत्ते बंद हो जाते हैं छूने से, और इसको उंगली लगाने से इसको लगाना। शमजाद भाई एक बार इसके अंदर आप ये इसकी जो छूना छूना था जरा, हाँ इसकी नीचे से छूने में इसके ऊपर की जो ऊपर के पत्ते हिल रहे हैं। हाँ ये खासियत है कभी भी बगैर उसकी। तो ये इसमें सिर्फ पूरे फाटो रेंज में एक ही है या और भी है? एक और है, छोटे छोटे पौधे हैं, पहले नहीं होते थे, अब चिड़ियों के द्वार हो चुके हैं। अच्छा ऐसा बीज ला कर खा करके हुए है। दूसरा टावर थोड़ा सा आगे चल के उस टावर से, और ये शमशाद भाई हैं ये बता रहे हैं क्या इस पर लकड़ी का कमरा बनेगा। हाँ इसका एक कमरा बनेगा इसको, पर एक लकड़ी वाला चिरान करके। अच्छा, अच्छा। हाँ तो रात को रुकने के लिए नहीं, वैसे बैठने के लिए दिन दिन के। अच्छा वैसे बैठने के लिए इसमें कमरा बनाया जाएगा। हाँ एक और अंदर है तालाब, पिंक कलर का है वाटर बॉडी भव्यतीन। इसका पिंक कलर क्यों है? ये काई जमी है ऊपर से पानी जो। अच्छा काई जमी हुई है। गर्मियों में तो टाइगर बैठता होगा इस पे आगे, पिंक फीचर जा रहा हो। रास्ते बंद हो जाते हैं सर बहुत जोर से। हाँ गर्मियों में मज़ा आएगा परमा जी यहाँ का, बहुत बढ़िया रहेगा सर। हाथी भी अच्छे चलते होंगे वहाँ पर, क्योंकि अच्छे निशान लगे किनारे हाथी के नहाने के। अभी दिन दो चार दिन हुआ अभी यहीं थे। हाँ, आते जाते रहते हैं हाथी बहुत काफ़ी। अच्छा डंक वगैरह भी काफ़ी। हाँ लेकिन डंक तो काफ़ी मिली है रास्ते में। ये रोड बंद हो जाती है गर्मी में, बहुत मुश्किल से निकलते हैं यहाँ से हाथी की वजह से। हाथी की वजह से। अच्छा हाथी रहते होंगे इस रोड पर ज़्यादा? अरे हाथी रहते हैं, पूरा जंगल भरा रहता है। अच्छा अच्छा एक अंदर और तालाब। और ये वाली रोड कहाँ जा रही है? ये टूरिस्ट के लिए खोली है सर, यही तो काय के लिए टूरिस्ट के लिए खोली है। अच्छा ये हम बंगले में जा रहे हैं आपको बंगले। अच्छा हम बंगले जा रहे हैं। अच्छा अच्छा आज तो वन विश्राम भवन है आगे तक। हां आगे सर डाल देते हैं सर, कोई होगा ट्री हाउस वगैरह भी है ना? हां ये इसको ये इसके बगल में बना ये वाइल्ड लाइफ डियर्स और गाय एक साथ। यहाँ तो सब जानवर एक साथ रहते हैं, हाथी भी सभी। ये देखिए ये लंगूर भी है, गाय के साथ साथ डियर्स भी खड़े हैं, सब जानवर एक साथ रहते हैं यहाँ पे। ये गुजरों की गाय होगी ये भी? हाँ ना ये हाँ गुजरों की। फाटो रेंज में सफारी करते हुए हम पहुंच गए हैं फाटो के FRH रेंज ऑफिस भी है सर, ये रेंज ऑफिस है हमारा, रेंज ऑफिस भी है इसका, रेंज ऑफिस भी यही है फाटो का, और फाटो का गेस्ट हाउस भी यही है फाटो का।
रेंज ऑफिस उसके क्वार्टर्स। रेंज ऑफिस है फाटो का। सामने फाटो का बंगला है, ब्रिटिश पीरियड में और उसके बाद भी जब तक वाइल्ड लाइफ एक्ट नहीं आया था उससे पहले तक ये शिकारियों की ख़ास पसंद थी। ये ब्रिटिश पीरियड का देखिए बना हुआ कितना सुंदर है। वाह वाह वाह, क्या बढ़िया है भाई, कितना खूबसूरत है फाटो का रेस्ट हाउस। हम पहुंच गए हैं, ये ट्री हाउस बना हुआ है, ये ट्री हाउस बनाया है। ये फाटो का रेस्ट हाउस है। फाटो रेस्ट हाउस, ये बच्चे अपना एंजॉय करते हुए। फाटो रेस्ट हाउस का पूरा कैंपस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक इन्होंने बहुत अच्छा ट्री हाउस बनाया है, ये टूरिस्ट के लिए बनाया है। नहीं अभी बन रहा है, अभी बन रहा है। ये ट्री हाउस बनाया है फाटो रेंज में, बंगले के बिल्कुल बराबर में। इन्होंने बहुत बड़ा सा एक ये पेड़ है, ये पेड़ इसके ऊपर ये पूरा ट्री हाउस। और जब यहाँ नाइट स्टे कर देंगे तो इसी ट्री हाउस में टूरिस्ट को रुकाएंगे। आप यहाँ बंगले के केयर टेकर हैं? जी जी, बंगले में रहता हूँ और मेरे वो जो गेस्ट लोग आते हैं और उनको मैं दिखाता हूँ और वो पूछते भी हैं हमसे इसका क्या चार्ज है कैसे है, तो अभी कंफर्म नहीं पता। चार्ज इसके बुक जब छपेगी तब इसका चार्ज होगा कि कितना रुपया चार्ज है। अच्छा। और जो भी आते हैं मैं बताता हूँ, यहाँ पर कैंटीन खुलेगी और हर सुविधाएँ बनेगी। निकल अभी इतनी बनने में कुछ थोड़ा समय लगेगा, ये पार्किंग होगी। अच्छा। यहाँ गाड़ी खड़ी करने का अभी पूरी सुविधा नहीं, सुविधा जो है बजट कम था, बजट मांग किए हैं और बनेगा ये। तो ये ट्री हाउस जो बनाया है ये लोगों के ठहरने के लिए बनाया है? लोग जी 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 हाँ, नाइट स्टे, ये इसको नाइट स्टे बोलते हैं, नाइट स्टे के लिए ये ट्री हाउस बनाया है इन्होंने। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो ये क्या उम्मीद है कब तक चार मतलब चालू हो जाएगा ये? अगले महीने तक चालू हो जाएगा। दूसरी बात, जब तक ये कैंटीन नहीं खुलेगी तब तक ये जो ट्री हाउस है ये इससे लिमिटेड रहेगा, जो गेस्ट आएंगे तो यहाँ से खाना बन के वहाँ जाया करेगा। हाउस में कितने रूम है? इसमें एक रूम है, अभी दो बनेंगे, एक ये और एक ऊपर, दो तीन का दिया गया है लेकिन दो अभी बने, ऊपर ही एक ऊपर ही का बना हुआ है, दो अभी बनेंगे। अच्छा, दो अभी बनेंगे, अभी एक बना है फिलहाल। जी 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 हाँ। अच्छा, इसके अलावा भी नाइट स्टे के लिए और बनाए यहाँ पे कुछ? और बनाएंगे ये, क्या पोजीशन है, टाइगर वगैरह आ जाता दिख जाता आसपास? जी जी हाँ, टाइगर दिखता है। आप जब आए होंगे इधर से आए होंगे तो एक तालाब पड़ता है, तालाब के पास जो है वो वही एरिया है मतलब शेर दिखने का। और जो अभी परसों जो गेस्ट आए थे उनको तीन टाइगर दिखे डायरेक्ट, तीन टाइगर दिख गया उन्हें, तीन तीन। अच्छा हाँ। अच्छा, आप ये बता सकते हैं इस पूरी रेंज में जो फाटो रेंज इन्होंने खोली है उस टूरिस्ट के लिए? जी जी। विजिट के लिए, तो इसमें टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी, कितने टाइगर्स हैं इसमें? वैसे जो इनकी गिनती कैमरे लगते हैं तो इनको है नौ जो है बता रखे हैं। अच्छा। नौ दस तक इनका है। अच्छा। रहते हैं सिर्फ फाटो रेंज में। अच्छा, फाटो रेंज। हाँ, पतरामपुर तो कोई मतलब वो नहीं है, केवल फाटो रेंज में ही 10 बता रखे हैं, मतलब बड़े बूढ़े बच्चे सब। रमन, आपको कैसा लगा यहाँ पर सफारी करने में? मज़ा आ रहा है आपको? मज़ा आ रहा है? क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पर? ये रेस्ट हाउस अच्छा लगा आपको? रेस्ट हाउस अच्छा लगा? और फॉरेस्ट कैसा लगा? जंगल अच्छा लगा आपको? जंगल भी अच्छा था। हर बगल दिक्कत है ना इसमें, कोई जान ये बात हो, देख सकते हैं तक? हाँ हाँ, ये जगह लिए डाल।
से बता रहा। बहुत ही बढ़िया वाटर होल, इसमें कई बार घायल कर दिया आदमी का। हाँ, दो बार घायल कर दिया इसमें। हाथी के पैर के निशान भी। हाँ, इसमें गर्मी के टाइम मतलब बहुत जोर से टाइगर और ये चीजें रिस में रहते हैं। इनके नाम रखे जाएंगे टावरों के, जो इनके नाम रखते हैं। उनमें जगह जगह जो नाले। ये नेचुरल है वाटर होल या इसमें पानी भरते हैं लगे? ना नेचुरल है। तो ये पानी कहाँ से? बरसात का पानी। अच्छा, बरसात का पानी स्टोर हुआ है। हाँ, स्टोर हुआ है। इसमें गर्मियों में तो हाथी बहुत होंगे, हाथी के पैर के निशान अब भी काफी हैं इसके अंदर। इसके अंदर आ ही नहीं सकते सब, हाथी या टाइगर बहुत होता है इसके अंदर, पानी के अंदर लेटते रहते हैं। इसके अंदर कोई आदमी आता ही नहीं है, जाता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सबसे खतरनाक एरिया है। लगे? हाँ हाँ, अब लगे थे टाइगर को देखे 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 पुराने काफी बड़ा पंजा है भाई। ये है पंजे तकड़ा ऐसा लग रहा हाथी का है। देखिए ये टाइगर का पंजा, टाइगर का देखिए पापा वो रहा दिख रहा है, पानी भरा हुआ है। हाँ, तो पानी भरा हुआ है। कल बहुत बड़ा ही काफी है। हाँ। बारिश हुई है ना कल, देख क्या है? इसके मायने ये है टाइगर तो काफी है भाई। ये तो किसी इंसान का टाइगर काफी है पापा, पर अभी थोड़ा नई के से डर रहा है। हाँ, अभी तो शुरू में हो गई साइडिंग, ये बहुत बड़ी बात है। अर्ली मॉर्निंग हो गई। तो ये थी फाटो रेंज कॉर्बेट नेशनल पार्क की, जो बिल्कुल अभी नई 2-3 दिन पहले इन्होंने सफारी के लिए, टूरिज्म के लिए इन्होंने स्टार्ट की है। हमने आज यहाँ की सफारी की। जंगल बहुत अच्छा है, बहुत घना जंगल है। अभी पूरी तरीके से रोड जो हैं वो इसके चालू नहीं हुए हैं। एक पूरा एक सर्किल सा है, उस सर्किल से घूम के अच्छा खासा लंबा राउंड है वो करके अब वहाँ वापस हम जा रहे हैं अब एंट्री पॉइंट की तरफ, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। सफारी के व्हीकल का भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, आपको रामनगर से बुलाना पड़ेगा। आप पहले से ही किसी आपसे परिचित जिप्सी जो ड्राइवर हो उनसे आप बात कर लीजिए और उन्हें बुला लीजिए और परमिट यहीं पर आकर ले लीजिए। ऐसा ना हो आप यहाँ आ जाएं फिर उसके बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि गाड़ियों का इंतज़ाम अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ आने के लिए जो रास्ता है वो, अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं या मुरादाबाद की तरफ से आ रहे हैं तो आप काशीपुर आइए। काशीपुर सिटी शुरू होने से पहले एक कुंडा चौराहा पड़ता है, उस कुंडा चौराहे से आप लेफ्ट हो लीजिए और उस लेफ़्ट रास्ते से बिल्कुल सीधे जाके लगभग 20 किलोमीटर आगे जाके मालधन एक जगह आएगी। ये प्रमोद जी 20 किलोमीटर होगा ना वहाँ से? हाँ सर, लगभग 20 किलोमीटर। कुंडा चौराहे से लगभग 20 किलोमीटर दूर है ये मालधन चौड़। मालधन नाम से भी मशहूर है गांव और मालधन चौड़ नाम से बहुत मशहूर है। आप मालधन चौड़ आ जाइए और वहाँ से मालधन चौड़ से थोड़ा सा आगे चलकर जो तुमड़िया डैम का बंदा आता है वहाँ से फिर वो इसका गेट आ जाएगा। फाटो रेंज का जो सफारी यहाँ से स्टार्ट होती है वो गेट वहाँ आ जाएगा, वहीं आकर आपको अपना परमिट लेना है। और अगर आप रामनगर से आ रहे हैं, आप रामनगर में हैं और रामनगर से आ रहे हैं तो बाया पीरूमदारा होते हुए आप आ सकते हैं। रामनगर से आने के लिए ज़रा बताइए आप। सर, अगर जो रामनगर से आ रहा है तो उसे रामनगर से पीरूमदारा आना पड़ेगा। पीरूमदारा से 64 नंबर गेट पड़ता है, वहाँ से राइट टर्न लेकर सीधा मालधन पुल पर, और मालधन पुल से वो फाटो के लिए आ सकते हैं। अच्छा जी। तो आज हमने
कॉर्बेट के नए जोन फाटो की सफारी की। जंगल बहुत अच्छा लगा, वाइल्ड लाइफ अभी ज़्यादा नहीं दिखी क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो शाही है और वो यूज़ टू नहीं है गाड़ियों की आवाज़ों की यूज़ टू नहीं है बिल्कुल, उनको कभी यहाँ पे गाड़ियों का उन्होंने आवाज़ सुनी नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं थी, 5-7 ही गाड़ियाँ थी, लेकिन फिर भी जो एनिमल है वो बहुत ज़्यादा शाही होते हैं। टाइगर की साइटिंग यहाँ पर हमें नहीं हुई, लेकिन टाइगर की साइटिंग यहाँ पर जब ये जोन शुरू हुआ है तभी हो गई है। एक गेस्ट को यहाँ पर टाइगर की साइटिंग हुई है, मैंने ये कोशिश करी थी जिन्हें टाइगर की साइटिंग हुई है मैं कम से कम उनकी ही वीडियो लेकर अपने इस वीडियो में आपको दिखा दूं, लेकिन मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुझे एक तस्लीम अहमद नाम के कोई यहाँ पे वॉचर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उन्होंने गश्त के दौरान एक वीडियो बनाई है, एक टाइग्रेस है उसके 3 बच्चे हैं वो इसके अंदर डाली है, वो मैंने इजाज़त लेके उनसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनसे इजाज़त ली है, उन्होंने मुझे खुद दी है कि आप अपनी वीडियो में ये वाली वीडियो डाल सकते हैं। तो वो वीडियो मैं आपको सिर्फ दिखाने के तौर के ऊपर कि इस जोन के अंदर टाइगर है या नहीं है मैं वो अब वीडियो अपनी इसके अंदर डाल रहा हूँ। तो अब इस वजह से मेरा पर्पस सिर्फ उस वीडियो को डालने का यह है कि कम से कम आपको पता चले कि यहाँ पर टाइगर बहुत अच्छा है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सबसे पहले इसको जब से मैंने ये बात सुनी कि ये फाटो रेंज शुरू हो गई है तो बहुत बिजी शेड्यूल बिज़नेस का होने के बावजूद भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मैं आया हूँ ताकि आप लोगों को नया रेंज से रूबरू करा सकूँ कि नया रेंज जो है वो सफारी वाला वो जो टाइप बनाया है इन्होंने कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व ने वो कैसा है। तो मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप सराहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।